जी हाँ, इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी अपडेट है। बताते चले, राजस्थान में जुलाई में रिकॉर्ड हुई बारिश। 31 जुलाई तक कई बारिश के मुकाबले बरसात हो चुकी है। बताते चले, प्रतापगढ़ को छेड़कर सभी जिलों में सामान्य से ऊपर आंकड़ा चला गया। प्रतापगढ़ में 2 फीसदी कम बारिश हुई है, लेकिन मौसम विभाग ने 3 अगस्त से एक बार फिर मानसून एक्टिव होने की संभावना जताई है। पूर्वी राजस्थान के 19 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। अगर आप राजस्थान से हो तो आप इस वीडियो को अभी से जल्दी से लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तुरंत आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो डालते हैं नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप जहां कहीं भी रहते हो अपने जिले का नाम कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पिछले 24 घंटे के बाद उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश हुई। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले में 5 इंच तक बरसात रिकॉर्ड हुई। गंगानगर के चुनावाबद में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिली, 5 इंच तक बारिश हुई। इधर हनुमानगढ़ के रावतर के इलाकों में संगरिया हनुमानगढ़ में भारी बरसात देखने को मिली, और झुंझुनू के भी चिड़ावा बुआना और मलेशियासर में भी बरसात देखने को मिली। साथ ही बताते चले, आगे कैसा रह सकता है मौसम, इस पर नजर देखें तो जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 2 अगस्त को उत्तर व पूर्वी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि अधिकांश एरियो में मौसम लगभग साफ रह सकता है। और 3 अगस्त को एक बार फिर मौसम यानी मानसून 2022 एक्टिव होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून एक्टिव होगा और बारिश का नया दौर शुरू होगा। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, उदयपुर संभाग के कई जिलों में या भारी वर्षा हो सकती है। कोटा, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर संभाग के 19 जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बीकानेर व जोधपुर संभाग के कई जिलों में बारिश की संभावना बन सकती है। इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि मौसम की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।